यहाँ पर इवन 5 साल का बच्चा भी किसी भी की डाइट बना सकता है अगर वह इस फूड ग्रुप कॉन्सेप्ट को यूज करता है। बिल्ड एनर्जी प्रोटेक्ट बैलेंस्ड डाइट। जब भी बात आती है हमारे शरीर को बनाने की, शरीर को चलाने की, शरीर को बचाने की, तो जो एक चीज हमारे माइंड में सबसे पहले आती है वह है राइट न्यूट्रिशन, सही पोषण, अच्छा खाना, एक बैलेंस्ड डाइट। क्योंकि जब भी आप सही खाना राइट न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं तो आपके शरीर को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए जैसे कि प्रोटीन, वो आपको मिल जाता है। आपके शरीर को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए है, जो फ्यूल चाहिए होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो आपको मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए जो फाइटोकेमिकल्स चाहिए, जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो भी आपको सही खाना राइट न्यूट्रिशन कंज्यूम करने से मिलते हैं। सो वीडियो में अभी तक मैंने, यानी जय सिंह ने जो आपको चीजें बताई, अगर मैं उसको एक लाइन में समराइज करूं तो वह एक लाइन होगी कि आपके शरीर के लिए सही न्यूट्रिशन वह होता है जो आपके शरीर को बनाता है, चलाता है और बचाता है। बिल्ड एनर्जी प्रोटेक्ट। अगर यह तीन क्वालिटी आपके न्यूट्रिशन में है तो आपका जो न्यूट्रिशन है आपके लिए राइट न्यूट्रिशन है। और इसी चीज को समझने के लिए न्यूट्रिशन फील्ड में एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है जिसका नाम है फूड ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट। सिंपली इस फूड ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट में रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें आप कंज्यूम करते हैं, जो फूड आइटम खाते हैं, उसको बेसिक तीन कैटेगरी में रखा जाता है या बांटा जाता है, जिसका नाम है पहला बिल्डिंग फूड ग्रुप, दूसरा एनर्जी फूड ग्रुप और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप। तो इन तीन फूड ग्रुप को हम पढ़ते हैं इस फूड ग्रुप कॉन्सेप्ट में और इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक सही और सटीक डाइट बना सकें। चलिए इन तीन फूड ग्रुप के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बिल्डिंग फूड ग्रुप। इस बिल्डिंग फूड ग्रुप में हम उन फूड आइटम्स को रखते हैं जो हमारे शरीर को बनाने में, बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर को बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए होता है उसमें सबसे मेन होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, या 20 तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। इसमें से 9 एसेंशियल होते हैं और बाकी बचे नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कहने का मतलब हमको इनको बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है अपनी डाइट में, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं उनको हमारी बॉडी खुद बना सकती है। प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, इसको बड़े अमाउंट में हमको खाना पड़ता है जिससे हमारा जो शरीर है वो ग्रो होता है, बनता है और रिपेयर होता है। अब यहां पर होता क्या है, जब भी आप इंटेंस एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं तो आपके मसल फाइबर ब्रेक डाउन होते हैं, टियरिंग होती है, उनमें तोड़फोड़ होती है। और जब आप घर जाके एक न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर प्रोटीन है, तो वह प्रोटीन आपके उन मसल फाइबर जो टूट गए हैं वर्कआउट करने से उनको रिपेयर करता है, और जो नए मसल फाइबर आते हैं वो ज्यादा थिक होते हैं, ज्यादा डेंस होते हैं, जिसके कारण आपकी ग्रोथ होती है, आपका शरीर बढ़ता है। सो इस बिल्डिंग फूड ग्रुप में हम उन फूड आइटम्स को रखते हैं जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और अच्छे अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, रेड किडनी बीन्स हो गए, सोया बीन्स हो गए, नट्स हो गए, ग्रेन्स हो गया। सो इन सब फूड आइटम को हम इस बिल्डिंग फूड ग्रुप के अंदर रखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड फूड ग्रुप की, जो कि है एनर्जी फूड ग्रुप। एनर्जी फूड ग्रुप, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया कि इस फूड ग्रुप के अंदर हम उन फूड आइटम को रखते हैं जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हमको ज़्यादा एनर्जी देते हैं वह कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है, जो फैट होता है उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर बेसिकली दो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसको हम एनर्जी फूड ग्रुप में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है तो राइस। अगर आप राइस कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप राइस कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी इसको ब्रेक डाउन करती है किसमें, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में। उस ग्लूकोज को आप यूटिलाइज करते हैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करके, एक्सरसाइज परफॉर्म करके। ये जो ग्लूकोज होता है हमारा ब्रेन और हमारे मसल्स इसको यूटिलाइज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, आपके ईंधन की तरह यूज़ करते हैं। अगर आपने जो ग्लूकोज आपको मिला है खाने से उसको यूज़ नहीं किया तो हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को स्टोर करा देती है हमारे मसल्स में, हमारे लीवर में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन क्या होता है, एक तरह की ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की चेन होती है। और जब भी आपको इस एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी फिर से इस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाती है और उससे हमको एनर्जी मिलती है जिससे हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं जो दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट हम इस एनर्जी ग्रुप में रखते हैं वह है फैट। फॉर एग्जाम्पल जैसे घी, बटर हो गया, ये सब फैट में आते हैं। फैट का आपको बहुत सारी एनर्जी देता है और साथ ही साथ ये बहुत सारे
अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि ये सेलुलर ग्रोथ करता है, हार्मोनल प्रोडक्शन करता है, फैट सेलोबल विटामिन को अब्सॉर्ब कराता है हमारे बॉडी में, हमारी स्किन को अच्छा करता है, हमारे बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड को पहुंचाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करता है। सो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन या मैक्रोन्यूट्रिएंट फैट हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है यह हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1 ग्राम जब आप फैट कंज्यूम करते हैं तो आपको 9 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। यहाँ पर अगर हम इस एनर्जी फूड ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जो कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम करते हैं, जैसे कि व्हाइट राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ओट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, ब्रेड हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट आप इस एनर्जी ग्रुप में रखते हैं। वहीं फैट की बात करें तो जो घी हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, तो ये सारे फूड आइटम आप इस एनर्जी फूड ग्रुप में रखते हैं। सो सिंपली यहाँ पर आपको उन फूड आइटम्स को इस ग्रुप में रखना है जिसमें लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट प्रेजेंट है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। अब आता है हमारा तीसरा फूड ग्रुप जो कि है प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप। इस प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप में हम उन फूड आइटम्स को रखते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरस से बचाते हैं, ताकि हमको इस शरीर को ठीक ठाक रखने में मदद मिले और हमारे अंदर के जो सिस्टम है वो स्मूथली ऑपरेट होते रहे, फंक्शन करते रहे अपना। तो यहाँ पर हमको इस प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप में उन फूड आइटम्स को रखना है जिनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल, स्ट्रेस एलिमेंट, मिनरल, विटामिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इन शॉर्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट जिन फूड आइटम में ज़्यादा अमाउंट में और ज़्यादा वेराइटी में प्रेजेंट होते हैं, उन सारे फूड आइटम को हमको इस प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप में रखना है। तो ज़रा सोचिए ऐसे कौन से फूड आइटम होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। सोचिए हाँ, आपने सही सोचा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज्यादा अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि मिनरल्स एंड विटामिन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि मिनरल्स एंड विटामिन या एक तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब बात आती है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने की, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने की, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तरीके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन को सही से परफॉर्म कराने के लिए हमको चाहिए होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन, ताकि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो स्मूथली हो सके, जिस कारण हमारा यह शरीर इफेक्टिवली कोई भी काम कर पाता है। यहाँ पर हम बात करें कुछ फूड आइटम की जिनको हम इस प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप में रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो एप्पल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, पियर्स हो गया, बनाना हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, कैप्सिकम हो गया, बीटरूट हो गया, कुकुम्बर हो गया, ब्रोकली हो गया, सो ये तरह के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको हम इस प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप में रखते हैं। सो वीडियो में अभी तक आपने सीखा कि फूड ग्रुप कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं क्या प्रैक्टिकल यूसेज हम कर सकते हैं इस फूड ग्रुप कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पर इस फूड ग्रुप कॉन्सेप्ट की मदद से हम अच्छे से डाइट प्लान करना सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पर इवन 5 साल का बच्चा भी किसी भी की डाइट बना सकता है अगर वह इस फूड ग्रुप कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। अब करना क्या है, आपको एक थाली ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इस थाली को इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, 20 से काटिए और यहाँ से काटिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो पहला पोर्शन जहाँ पर लिखा है 1 नंबर वहाँ पर डाल दीजिए बिल्डिंग फूड ग्रुप के आइटम, 2 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आप डाल दीजिए एनर्जी फूड ग्रुप के आइटम, और 3 जो नंबर लिखा है वहाँ पर आप डाल दीजिए प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप के आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी का एक अच्छा डाइट प्लान बनाना है तो बस आपको सिंपली करना क्या है, जो भी मील आप बनाएं उस मील के अंदर इन 3 फूड ग्रुप के आइटम को रख दीजिए, ठीक है, आपका मील प्लान बढ़िया से तैयार हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर करना क्या है, कम से कम एटलीस्ट एक एक आइटम तो इन 3 फूड ग्रुप से आपके मील प्लान में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक अपना परफेक्ट लंच तैयार करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक फूड आइटम डाल दीजिए बिल्डिंग फूड ग्रुप से, 2 फूड आइटम डाल दीजिए एनर्जी फूड ग्रुप से, और 3 फूड आइटम डाल दीजिए किससे, प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप से। तो कम से कम एक एक फूड आइटम अगर आपने 3 फूड ग्रुप से डाले हैं तो वह जो लंच है आपका वो बड़ा ही परफेक्ट होता है। इसमें आप एक से ज़्यादा फूड आइटम भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है, जितने वैरायटी आप रखेंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन आपको जो एक बात का ध्यान रखना है वह यह है कि कम से कम एक एक फूड आइटम इन 3 फूड ग्रुप से जरूर होने चाहिए, तभी आपका जो मील है वह एक परफेक्ट मील बनेगा। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक मील देख पा रहे हैं मेरा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, गौर करेंगे, हमने चिकन रखा है, वाइट राइस रखा है, ब्रोकली रखा है, कैबेज रखा है, स्पिनच रखा है। तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया, एक फूड आइटम हमने डाला बिल्डिंग फूड ग्रुप से चिकन, ठीक है, 2 फूड आइटम हमने डाला
वाइट राइस कहाँ से, एनर्जी फूड ग्रुप से, और यहाँ पर जो बाकी बचा हमारा प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप उससे हमने तीन आइटम डाले, ब्रोकली, कैबेज, स्पिनच। सो इस तरह से आप इन तीन फूड ग्रुप से एक आइटम कम से कम लेकर अपना एक परफेक्ट मील तैयार कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक वेजिटेरियन मील का भी एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो जो वेजिटेरियन लोग हैं बड़ा नाराज हो जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने रेड किडनी बीन्स लिया है 100 ग्राम, ब्राउन राइस लिया है, ब्रोकली लिया है, कुकुम्बर लिया है, बीटरूट लिया है। तो आप देख सकते हैं जो रेड किडनी बीन्स है ये आया हमारा बिल्डिंग फूड ग्रुप से, ठीक है। जो ब्राउन राइस है ये आया हमारा एनर्जी फूड ग्रुप से, और जो यहाँ पर ब्रोकली, कुकुम्बर, बीटरूट लिखा है ये आया हमारा प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप से। सो इस तरह से अगर आपको एक परफेक्ट मील बनाना है तो आपको क्या करना है, सिंपली कम से कम एक एक आइटम इन तीन फूड ग्रुप से उठाइए, अपने मील में रखिए। एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितनी ज़्यादा वैरायटी आप रखेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। आई होप आपको यह फूड ग्रुप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और किस तरह से इसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है और डाइट प्लान करनी है वह भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं आपको एक खास चीज़ बता दूँ कि जो हमारा पोस्ट वर्कआउट मील होता है वहाँ पर आपको यह फूड ग्रुप कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट मील क्या होता है, जो हम वर्कआउट करके आते हैं उसके तुरंत बाद जो खाना हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी खाना होता है वह होता है पोस्ट वर्कआउट मील। उसको किस तरह से प्लान करना है इसको मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, तब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि पोस्ट वर्कआउट मील को किस तरह से डिज़ाइन करना है और क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है और क्यों रखनी है। सो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें पोस्ट वर्कआउट मील के साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हैं। जैसे इस वीडियो मैंने बताया है न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एनर्जी क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए, सो मेक श्योर इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जो भी आपका कमेंट है वो ज़रूर मेंशन करिए। आप जब कमेंट करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है, किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुँचाता रहूँ। और अगर आप चाहते हैं फिटनेस में करियर बनाना, फिटनेस में पैसे बनाना, तो मेक श्योर मेरा ये राइट वाला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।